हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सुरुचि केडिया जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2019 के 16th राउंड की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जहां खेलने वाले खिलाड़ी थे निहाल सरीन और यान नपुमनियात से। कमाल का मुकाबला रहा होगा एक 14 साल के ग्रैंड मास्टर और उनके सामने मैच्योर ग्रैंड मास्टर यान नपुमनियात से की। मुझे एज तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन यान की रेटिंग इस गेम के दौरान 2767 थी, वहीं निहाल सरीन की रेटिंग थी 2612। तो आइए फ्रेंड्स, सीधे इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की निहाल सरीन ने नाइट F3 के साथ, तो D5। यहाँ यान ने शुरू किया E3 E6 C4 सॉरी यहाँ निहाल सरीन ने इस गेम की कॉम्पोजिशन को इंग्लिश ओपनिंग में ट्रांसपोज कर दिया है। नाइट F6 यहाँ पहले यान ने किया, देन B3 B6, तो बिशप गया B2 स्क्वायर पर, बिशप B7, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, देन रुक C1 A6, तो सी टेक्स D5 E टेक्स D5, देन D4 बिशप D6 स्क्वायर पर, तो G3। यहाँ वाइट की इंटेंशंस भी अपने इस लाइट स्क्वायर बिशप को फेंकेटो करने की है। इसके बाद यहाँ ब्लैक ने पहले कैसल किया बिशप G2, देन रुक E8 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर निहाल सरीन को यहाँ मौका मिला कैसल करने का। क्वीन E7, देन नाइट E2, रुक एट A गोज टू D8, देन नाइट F4। और क्या ये नाइट के लिए F4 स्क्वायर बिल्कुल सही है? मुझे थोड़ा सा डाउट है। नाइट E4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और यान का ये नाइट बहुत ही एग्रेसिव स्क्वायर पर आकर बैठ चुका है। इनफैक्ट ये नाइट इस क्वीन को भी फ्रीली मूव नहीं करने देगा। तो क्वीन C2 पहले यहाँ निहाल सरीन ने किया, देन C5। और फ्रेंड्स, यहाँ यान की गेमिंग प्लानिंग, गेमिंग टैक्टिक्स आपको हूँ मैं क्या वर्ड दूँ इस प्लानिंग को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगने वाली है। D टेक C5, B टेक C5, देन रुक एट F गोज टू D1। और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को कंसिडर कर सकता था, और एक बहुत स्ट्रांग नाइट के ऊपर नाइट कॉम्बिनेशन बैठा हुआ होता। खैर, जो कुछ यहाँ यान ने किया वो भी कम नहीं था। उन्होंने यहाँ किया D4, और आप देख सकते हैं कि D4 करने के बाद एक बार भी ये पॉन यहाँ एक्सचेंज हुए तो बिशप जरूर इस नाइट को लेगा, और वाइट का कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो चुका होगा, और निहाल सरीन इस ट्रैप में आ गए हैं। जो भी है उनकी कैलकुलेशन रही होंगी, E टेक्स D4, Bf टेक्स F4, G टेक्स F4, C टेक्स D4, Nt टेक्स D4, और ब्लैक को वाइट का कैसल स्ट्रक्चर खराब करने में अपना एक पॉन गंवाना पड़ चुका है। और अब यहाँ यान क्या कर सकते हैं? एक क्वीन H4 की ऑप्शन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ वैसे तो अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन F2 पॉन पर प्रेशर भी होता, और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते तो वाइट यहाँ क्या करेगा? वाइट यहाँ जरूर अपने इस नाइट को F3 जैसे किसी स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाएगा। जैसे अगर मैं आगे यहाँ से गेम आगे बढ़ाऊँ तो वाइट नाइट F4 5 की ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकता है। क्वीन G4 होगा, नाइट पर ही अटैक बनेगा। वैसे तो यहाँ अगर ब्लैक चाहता तो वो इस F4 पॉन को भी इजीली ले सकता था। F3 नाइट पर, ब्लैक के नाइट पर अटैक होगा। क्वीन टेक्स F5, F टेक्स C4, क्वीन टेक्स F4 और क्वीन F2, गेम की कंपोजिशन मोर और लेस मैं इक्वली कंसिडर करूंगा यहाँ इस पोजीशन से। और अगर वो सिचुएशन इक्वल हो जाती है तो मेरे ख्याल से वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता, क्योंकि यहाँ ब्लैक अब इस गेम को डोमिनेट कर रहे हैं। रुक C8 और यहाँ यान का अटैक सीधा वाइट की क्वीन के ऊपर है, तो ये क्वीन कहाँ जाए? वैसे मेरे ख्याल से वाइट अटैक का बदला अटैक से भी दे सकते हैं। वे यहाँ अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक की क्वीन पर अटैक बना सकते हैं। मान लो अगर यहाँ वाइट नाइट को F5 स्क्वायर पर लेकर जाए तो क्वीन पहले अटैकी B4 कैसे जैसे किसी स्क्वायर पर, और उसके बाद वाइट को भी यहाँ अपनी क्वीन हटानी होगी। मान लो D3 स्क्वायर पर अगर ये हट जाए, चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ व्हाइट ने किया था क्वीन E2, पहले अपने क्वीन को भी बचा लिया, तो Rook टेक C1, देन Rook टेक C1, क्वीन गई F8 स्क्वायर पर। और क्या अब ये सही समय नहीं था व्हाइट का? वो यहाँ अपने उस रुक को एक डेंजरस पॉइंट पर लेकर चले जाते, लेकिन निहाल सरीन ने आपने क्वीन को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और आप देख सकते हैं कि अब ये G4 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या होने वाला है। ये बिशप बहुत खतरनाक डायगोनल पर बैठा है, और यहाँ इस G7 पॉन पर प्रेशर भी है, लेकिन ये अटैक अभी प्रीमेच्योर है, क्योंकि यान ने किया नाइट डी गोज टू F6 क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन कहाँ जाए? क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस क्वीन के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स खतरा अभी टला नहीं है, हालांकि ये नाइट भी है अभी इस F6 स्क्वायर की डिफेंस के लिए।
तो रुक C8 यहाँ पहले ईआन ने किया, उन्होंने यहाँ रुक एक्सचेंज ऑफर दिया, और अगर रुक एक्सचेंज हो जाते हैं, रुक टेक C8, देन क्वीन टेक C8 F3, नाइट को हटाना होगा, नाइट चला जाए C3 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो फ्रेंड्स इस पूरी पोजीशन को मैं कम से कम व्हाइट के फेवर में बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहने वाला हूँ। लेकिन अभी यहाँ निहाल सरीन ने मेटेरियल एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को F1 स्क्वायर प्लेस किया, देन क्वीन C5 काफी इंटरेस्टिंग अटैक माइट बी हो सकता है। ये नाइट आप देख सकते हैं कि कम से कम यहाँ इस F4 स्क्वायर पर तो प्लेस नहीं होने वाला है। क्वीन S3 यहाँ पहले निहाल सरीन ने किया, और उनकी इंटेंशन क्लियर है कि वो अपने नाइट को F3 स्क्वायर पर लेकर F5 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे ही जाएंगे। रुक E8 नाइट पर डिफेंस, और इस नाइट पर डिफेंस करने की फ्रेंड्स आखिर वजह क्या है? बिशप है तो सही, माइट भी ब्लैक यहाँ अपने बिशप को रिशफल करके क्वीन को ट्रैप करना चाहता है, लेकिन क्वीन भी चलिए काफी मुश्किल होगा। यहाँ नाइट F5 यहाँ निहाल सरीन ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, तो बिशप C8 और यहाँ इस नाइट को ही यहाँ ने पिन कर दिया है। तो अगर मैं इस गेम को सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलूं तो गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है? यहाँ व्हाइट बिशप C5 जैसी किसी ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है, इस नाइट पर प्रेशर को एटलीस्ट कुछ तो कम किया जा सके। क्वीन की फायरिंग लाइन को तो क्लोज करें, क्वीन चलो हटा लेते हैं अब C2 स्क्वायर पर, द नाइट H6 चेक, ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है, और कुछ इसी तरह का मूव यहाँ निहाल सरीन ने खेला भी था, और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज होता है तो ब्लैक का भी कैसल स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होता है फ्रेंड्स, उस वेरिएशन को एक्चुअल में देखने में ही ज्यादा मजा आएगा। यहाँ निहाल सरीन ने किया नाइट H6 चेक, उन्होंने बिशप को लेने से मूव करने से पहले नाइट से चेक दी, तो जी टेक्स H6 देन क्वीन टेक्स H6, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस F6 पॉन पर काफी प्रेशर है। तो अब मेरे ख्याल से ब्लैक यहाँ क्या करे, ब्लैक के लिए क्वीन H5 ऑप्शन ठीक थी, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज यहाँ फोर्सफुली करवाना ही चाहिए था और यहाँ करनी ही पड़ती, क्योंकि क्वीन के जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं होता, क्वीन टेक्स H5 होता, नाइट टेक्स H5 हो जाए। पर जब यहाँ यान ने अपने क्वीन को F8 स्क्वायर पर लिया, ऑफर तो दिया क्वीन एक्सचेंज, लेकिन अभी यह फोर्सफुल नहीं रहा, तो यहाँ निहाल सरीन को मौका मिला अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस नाइट पर प्रेशर को अभी भी बरकरार रखने का। मेरे ख्याल से यहाँ क्वीन E7 के ऑप्शन कैसी रहती यान के लिए, ठीक थी, लेकिन यहाँ यान ने अपनी क्वीन को G7 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उन्होंने यहाँ निहाल सरीन के इस लाइट स्क्वायर बिशप को ही पिन कर दिया, और अगर ये बिशप कुछ देर पिन रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है वाइट को। किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन बिशप B7, और इसी वजह से मैं जब कह रहा था कि ये बिशप बहुत देर तक पिन नहीं रह सकता था। F3 नाइट पर अटैक है, और अब ये नाइट कहाँ जाए? नाइट के लिए बेस्ट स्क्वायर था D6, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, और मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहता, एडवांटेज में यहाँ क्लियरली वाइट रहता। ठीक है F5 में पॉन डबल है, लेकिन एक पॉन दो पॉन्स की लीड तो बहुत ज़्यादा होती है, एंड गेम ऑलमोस्ट शुरू ही होने वाली है। पर यहाँ निहाल सरीन ने अपने इस नाइट को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया, एक नज़र में लगता है कि ठीक है यहाँ इस रुख पर अटैक बनता है, लेकिन नेचुरल जो मूव मुझे यहाँ व्हाइट का नजर आता है वो रुख को G1 स्क्वायर पर ले जाने का ही है, और सीधा इस किंग पर अटैक, और ये बिशप बिल्कुल सही डायगोनल पर बैठा हुआ है। यहाँ निहाल सरीन को और चाहिए क्या था, उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप टेक्स F6, अपने उस खोए हुए मेटल लॉस को कंप्लीट किया, पहले तो क्वीन पर अटैक है तो क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन F5 दोबारा उसी क्वीन पर अटैक बनाया, और अगर मान लो ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स F5 करता है तो उसके बाद क्वीन G4 चेक, फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो चुकी होंगी, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। खैर फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक ने इस F5 पॉन को लिया था, क्वीन टेक्स F5 हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ निहाल सरीन ने अपने रुक को G1 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन क्वीन G6, और फ्रेंड्स इस क्वीन के G6 स्क्वायर पर आने का मतलब यह है कि बिशप कम से कम इस G2 स्क्वायर से नहीं हट सकता, अदरवाइज ये जो ब्लैक का बिशप है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा यहाँ व्हाइट को। तो क्वीन F4 यहाँ पहले निहाल सरीन ने किया, और अब जिस तरह की बैक रैंक चेकमेट का खतरा ब्लैक के ऊपर है, तो उन्हें कम से कम यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश कर लेना चाहिए था। H5 स्क्वायर ठीक था, खैर उन्होंने यहाँ अपने इस पॉन को H6 स्क्वायर पर प्लेस किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिशप C3 नाइट पर अटैक बनाया, और मेरे ख्याल से जिस तरह का ग्रैंड मास्टर्स को बैक रैंक चेकमेट की प्रैक्टिस होती है, तो कम से कम इयान को अपने इस रुक को 8th रैंक से कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए था। उन्होंने यहाँ किया रुक E2, दैट वाज द ब्लंडर ऑफ दिस गेम बाय इयान अपमिनियादसी, क्योंकि यहाँ ऐसा करने के बाद
निहाल सरीन को मौका मिला क्वीन B8 चेक करने का, और यहाँ इस मूव के बाद यान अपमनियासी ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्लैक अपने इस किंग को मूव करके H7 स्क्वायर पर ले जाएगा और उसके बाद क्वीन H8 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट कर देगी। मान लो यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो बिशप C8 होगा, तो क्वीन टेक C8 चेक, रुक की बीच में लगा देते हैं एक बार के लिए, तो क्वीन टेक C8 चेक होगा, किंग फाइनली H7 स्क्वायर पर जाएगा ही जाएगा, देन क्वीन H8 चेक और यहाँ ये मेट होगी। तो यान अपमनियासी का बहुत बड़ा ब्लंडर था जब वो अपने रुक को 8th रैंक से हटा चुके थे, लेकिन अगर ना हटाते तो नाइट पर भी अटैक बनता। खैर फ्रेंड्स, जो भी है, सुरुचि केडिया जी की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रिक्वेस्ट थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो और ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।